नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए फटाफट अंदाज में उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों का रुख करेंगे। महोबा कानपुर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा आया सामने। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कैंटर को मारी टक्कर। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लखनऊ के एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता। 814 ग्राम सोना मिला। सोने की कुल कीमत 40,15,000 रुपए बताया जा रहा है कि यात्री आयरन के अंदर छिपाकर सोने को लेकर आए थे। कस्टम सोने को जब्त करके आगे की कार्रवाई में जुटा। गोंडा में अपराध को रोकने के लिए एसपी ने तमंचा ऑपरेशन चलाया और सभी थाना प्रभारियों को ऑपरेशन तमंचा के निर्देश दिए। वहीं इस ऑपरेशन के तहत चार अवैध असलहे के साथ चार आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में चुनावी रंजिश के चलते मारपीट का मामला आया सामने। एक दलित युवक के साथ लोहे की रॉड, लाठी, डंडे, धारदार हथियारों से जान से मारने की कोशिश और धमकी देकर मौके से फरार। मारपीट में युवक गंभीर तौर पर घायल। बदायूं में एक बैल ने किसान पर किया हमला। हमले में किसान की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ये मामला गांव बैरपुर का बताया जा रहा है। मुरादाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में चार लोगों की हुई मौत। हड़कंप, मकान के नीचे बने तहखाने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि तहखाने में नौकर बेहोश हो गया था, जिसे निकालते समय पिता और बेटे गए थे, लेकिन तहखाने में ही सभी की मौत हो गई। अलीगढ़ में बाढ़ आने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। बता दें, अंतरौली और तहसीलदार ने गंगा किनारे बसे गांव का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि अंतरौली के सांकड़ा इलाके के कुछ गांव में गंगा का पानी दाखिल हो गया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व लगातार मंथन के दौर से गुजर रहा है। बात यह भी निकलकर सामने आई कि सरकार में फेर बदल जो है वो संभावित है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह एक महीने के भीतर दूसरी बार लखनऊ पहुंचे हैं। आपको यह बता दें कि 4.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे, उनके आवास पहुंचे। साथ में संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिसके बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसे योगी आदित्यनाथ की लंच डिप्लोमेसी भी कहा जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजधानी लखनऊ से लाइव ब्यूरो चीफ हैं आप। अनिल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, एक बार प्लीज अश्योर करें। चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि जुड़ सकें वो हमारे साथ में। सीएम के साथ संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य के घर गए। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से बीते दिनों सीएम फेस को लेकर सियासत गर्म रही, केशव प्रसाद मौर्य और साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य, ये दो अहम नाम रहे जिन्होंने सीएम फेस को लेकर उहापोह की स्तुति सामने रखी है, जिसको लेकर विपक्षी भी लगातार हमलावर रहे। अब सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। अभी हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य के घर शादियां हुई थी। शादी के बाद वो लंच करने के लिए उनके घर में पहुंचे थे, साथ में संघ के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। अनिल के अंकुर एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अनिल जी, एक बार प्लीज अश्योर करें। बनर्जी ने वहां पे किया, जिन लोगों को लेकर के क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? केशव प्रसाद मौर्य की दहलीज पहली बार 4.5 सालों में लांघी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सीएम के साथ संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं,
प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। सीएम के साथ संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे, लंच उन्होंने किया और लंच के बाद लगभग एक घंटे की मुलाकात के बाद वो रवाना हो गए वहां से। अब इसको इस तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच के संबंध कैसे हैं ये सभी जानते हैं, जग जाहिर है। कोई भी ऐसा मौका नहीं होता जब सीएम का नाम लेने से केशव प्रसाद मौर्य बचे और केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेने से सीएम बचते नजर आए। अब ऐसे में ये लंच डिप्लोमेसी बेहद अहम मानी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार ने शूटर दादी चंद्रो तोमर को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज का नाम शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर रखा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को अप्रख्यात निशानेबाज जीवटता जिजीविषा व नारी सशक्तिकरण की प्रतीक चंद्रो तोमर जी के नाम से रखा जाएगा। चंद्रो तोमर जी के नाम पर शूटिंग रेंज का नामांकन जो है वो यूपी गवर्नमेंट के मिशन शक्ति अभियान की भावनाओं के अनुरूप मातृशक्ति को नमन है। नोएडा में एक धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। इस पूरे मामले में यूपी एटीएस ने दो मौलानाओं को गिरफ्तार किया। ये रैकेट पिछले दो सालों से चलाया जा रहा था और इसमें मूक बधिर बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया जाता था। सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले में पुलिस को ISI फंडिंग के सबूत मिले हैं, जम्मू कश्मीर से तार जुड़े हुए हैं। एटीएस को एक हफ्ते की रिमांड मिल गई है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए और जानिए क्या कुछ पूरा मामला है। धर्मांतरण यानी कि स्वेच्छा से कोई अन्य धर्म स्वीकार करना, लेकिन जब यही परिवर्तन किसी को फंसा कर डरा कर या धमका कर किया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ खालिस गुनाह होता है। ठीक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से भी सामने आया, जहां गैर मुस्लिमों का मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण करने के मामले में बेहद सक्रिय उमर और जहांगीर को लखनऊ से पकड़ा गया है। एटीएस ने ये पूरी कार्रवाई गाजियाबाद में दर्ज केस के बाद की। उमर और जहांगीर और इनके साथियों ने उत्तर प्रदेश में हजार से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है। यहाँ पर उन्हें गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाने के कारनामे की जानकारी मिली तो एटीएस को सक्रिय किया गया। दो लोग गिरफ्तार किए हैं और इनसे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि लगभग 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। इसमें मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनका जो वल्नरेबल सेक्शन है और जो इस तरह से हैं जो कि फिजिकली चैलेंज्ड हैं, डिसेबल्ड हैं और स्पेशल चाइल्ड हैं, इनके ऐसे लोगों के का धर्म परिवर्तन कराया गया है बिना उनके घर वालों की मर्जी से। जो अभी चीजें मिली हैं उसके हिसाब से पिछले 1.5-2 साल के रिकॉर्ड हमने देखे हैं और इसके पहले के भी रिकॉर्ड अगर मिलेंगे तो संख्या का सही अंदाजा लगेगा। काफी फंड उपयोग होता था और विदेशी फंडिंग भी, इनकी देश और विदेश दोनों जगह से फंड एकत्रित करके इसका उपयोग धर्म परिवर्तन में किया जाता है। तो सुना आपने, प्रदेश में सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का धर्मांतरण किया जा रहा है। धर्मांतरण के मामले में बड़ी तफ्तीश जारी है। धर्मांतरण के मामले में पकड़े गए आरोपितों ने 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन उन्हें मुस्लिम बनाने की बात स्वीकार की। उमर और जहांगीर ने बताया कि इन लोगों ने धन का लालच देकर 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवाया है। इनको ISI से इस काम के लिए फंडिंग भी होती थी। ये लोग मूक और बधिर बच्चों और महिलाओं को टारगेट करते थे। धर्मांतरण के बाद महिलाओं की शादी भी कराई गई है। इस काम के लिए एक पूरा गिरोह काम कर रहा था। इन लोगों का रैकेट और भी कई राज्यों में सक्रिय होने की बात सामने आई है। इनके पास से 1000 महिलाओं बच्चों की सूची भी मिली है। कानपुर, वाराणसी और नोएडा में भी तमाम बच्चों महिलाओं का धर्म परिवर्तन ये लोग करवा चुके हैं।
और यहां तक कि कानपुर के एक बच्चे को तो दक्षिण भारत के किसी शहर में ले जाया गया है। उसके बारे में एसटीएफ लगातार पता लगा रही है। इस घटना से ये तो साफ होता है कि सूबे में धर्मांतरण का खेल बहुत लंबे समय से चल रहा है और इसके नेटवर्क को तोड़ना इतना भी आसान नहीं होगा। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। तो वहीं इस पूरे मामले में गिरफ्तार आरोपितों पर बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आपको बता दें कि लखनऊ से सोमवार को गिरफ्तार मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सीएम योगी ने आरोपियों की संपत्ति भी जब्त करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, उसके बाद एटीएस की जो टीम है इसको एक हफ्ते की रिमांड दे दी गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने आज जब पार्टी की ओर से एक श्वेत पत्र जारी करके मोदी सरकार से अपील की है कि वो तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभी से पूरी तैयारी जरूर करें। इस दौरान राहुल ने सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस श्वेत पत्र का लक्ष्य सरकार पर उंगली उठाना नहीं है। हम सरकार की गलतियों को उल्लेखित इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में गलतियों को ठीक किया जा सके। कोविड देश को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। फर्स्ट वेव के पहले मैंने बोला, सेकंड वेव के पहले मैंने बोला, थर्ड वेव के पहले मैं बोल रहा हूं। देखिए, जैसे मैंने बोला, वैक्सीनेशन ही इसका एक सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। और कोई बाकी टैक्टिक्स हैं, बट सेंट्रल सोल्यूशन नहीं है। जो भी वैक्सीन रिलायबल हो, इफेक्टिव हो, जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो, जितनी भी वैक्सीन्स को इंप्लॉय किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, उनको करना चाहिए। वहीं राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में आज बड़ी और अहम बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायकों के साथ आगामी चुनाव पर मंथन करते नजर आए। इस बैठक में कांग्रेस के बड़ी संख्या में पूर्व विधायकों को बुलाया गया था। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर जरूर विश्वास जताएगी। देखिए, अभी हम लोगों की बैठकें चल रही हैं, विचार मंथन चिंतन चल रहा है कि कौन से विषय होंगे, मुद्दे होंगे जिनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और विधानसभा चुनाव जो बहुत नज़दीक है, हमें संगठन जो हमारा बना है, न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर, बूथ स्तर पर जो हम लोगों ने संगठन का निर्माण किया, उसकी समीक्षा, और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के तमाम, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, महिला सुरक्षा हो, किसान हो, बेरोजगारी हो, इन विषयों और मुद्दों को लेकर जो हम सब लोगों ने लगातार संघर्ष किया है, हमें भरोसा और विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में मौजूद हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट? बैठक लंबी चली जिसमें पूर्व विधायकों को बुलाया गया था, साफ तौर पर आक्रामक तेवर में नजर आए अजय कुमार लल्लू इस दौरान। पूजा, देखिए, उत्तर प्रदेश में सियासी समर की शुरुआत हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों की बात करूं तो अपने अपने संगठन को दृष्टिकरण का काम सभी नेताओं ने शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस ने लगभग 200 पूर्व विधायकों को बुलाया और एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता को ढूंढना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने, ताकि जो कांग्रेस की रीच उत्तर प्रदेश में थी 1990 से पहले, उसको दोबारा पाया जा सके। लेकिन कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है? 7 विधायक थे, 1 एमएलए उनकी अदिति सिंह पार्टी छोड़ चुकी है, यानी 6 एमएलए और 1 सांसद के बलबूते कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनावों में किस तरीके का परफॉर्मेंस करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पूरी तरीके से
सियासी बिसात पर गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। बैठकों का दौर दिल्ली से लेकर राजधानी लखनऊ तक है। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, या फिर जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, लगातार सभी राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। अब देखना है कि समर में जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, लेकिन जो शुरुआत है सभी राजनीतिक दलों की वो बिल्कुल पुख्ता है और एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता। देखिये, मैं आपसे ये बात समझना चाह रही हूँ कि तमाम जो इसमें पूर्व विधायक शामिल हुए थे उनमें कितना विश्वास नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ सपा है, वो तमाम लोग ग्राउंड जीरो पर अपने जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, उनके साथ में लगे हुए हैं, लेकिन यहां पर प्रियंका गांधी नदारद हैं, शीर्ष नेतृत्व नजर नहीं आता ग्राउंड जीरो पर। ये कह सकते हैं कि कमी है कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व की, और वो कमी कहीं पूर्व विधायकों को तो अखर नहीं रही है, विश्वास है दल के ऊपर। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की कवायद अब अपने पूर्व जो कार्यकर्ता नेता थे उनको विश्वास में लेने की है। आप समझिए, कांग्रेस का आला कमान ये भी जानता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व है, खासतौर से प्रियंका गांधी की बात करें, उनको लगता है कि कांग्रेस यदि यहाँ किंग मेकर की भूमिका में आती है, 25 से 30 सीटें उत्तर प्रदेश में आती है, तो कहीं ना कहीं जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से रह जाती है, तब कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। और कांग्रेस यही चाहती है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से सियासी रूप से दखल को मजबूत किया जाए। प्रियंका गांधी की बात करें तो हाथरस कांड में जरूर एक्टिव नजर आई थी, उसके बाद कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं प्रियंका गांधी, वो लगातार राजधानी लखनऊ से नदारद हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू खासे एक्टिव हैं और जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर आंदोलन करते रहते हैं और जेल जाते रहते हैं अजय कुमार लल्लू। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक शीर्ष नेतृत्व नहीं उतरता, जनता कितना विश्वास जता पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में तेजी से चल रहे सियासी घटनाक्रमों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कोरोना के आंकड़ों को लेकर सूबे की सरकार को घेरा। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि सूचना के अधिकार के तहत मिली जो जानकारी है उसमें भंडाफोड़ हुआ है। 31 मार्च 2021 तक के कोरोना काल में 9 महीने में उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में मृत्यु का आंकड़ा सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से 43 गुना ज्यादा है। भाजपा सरकार मृत्यु के आंकड़े नहीं, दरअसल मुंह छिपा रही है। वहीं सपा अध्यक्ष कोरोना के आंकड़ों पर सवाल खड़ा करने के बाद पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी भी सामने आ गए हैं। सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार कोरोना के मौत के आंकड़े को लगातार छिपा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में मौत के आंकड़ों को योगी सरकार लगातार छिपा रही थी। इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार ये बात कह रही थी कि योगी सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। अब 43 जिलों के सूचना के अधिकार के तहत जो आंकड़े आए हैं उनमें और योगी सरकार के बताए हुए आंकड़ों में 43 गुने का फर्क है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि योगी सरकार आंकड़े नहीं छिपा रही थी, अपना नाकाम चेहरा छिपा रही थी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आगामी चुनावों को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया। शिवपाल ने कहा कि सपा के साथ गठबंधन करने की कवायदों को लेकर उन्होंने जवाब दिया और साथ में नारा भी दिया है, गैर भाजपावाद की स्थापना के लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। उनका कहना है कि जब लोग जुड़ेंगे तो भाजपा को आसानी से हरा सकते हैं। देखिए, मैंने नारा दिया था गैर भाजपावाद जी, अगर भाजपा को हटाना है तो सब लोग जुड़ेंगे और जब सब लोग जुड़ेंगे तो आसानी से हटा सकते हैं। तो वहीं सूबे के कई जिलों में गेहूं खरीद में हुई कटौती को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेर रही हैं। तो वहीं आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी गेहूं की सरकारी खरीद में किसानों के साथ धोखे पर नाराजगी जताते नजर आए। जो सरकारी कीमत तय की गई है, जिसको कहते हैं सरकार समर्थित समर्थन मूल्य, और सरकारी केंद्र जो है जहां सरकार की जिम्मेदारी है खरीदो, जाके देख लें, कुल मिलाकर 14% किसानों का गेहूं खरीदा गया है। 14%, 86% अधर में।
दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, वादा उनको दे कर दिया गया है, टोकन ले लिया गया है, कल परसों कर रहे हैं, कभी पैसा की समस्या बता देते हैं, कभी कोई समस्या बता देते हैं, और कहीं से कर्मचारी नदारत हैं, नतीजा किसान दर दर भटक रहा है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की तैयारी हो रही है और बाकी राज्यों में लागू कानूनों के साथ कई बिंदुओं पर मंथन भी जारी है और ऐसे में अब इस कानून को लेकर विपक्षी पार्टियों के बयान भी आने शुरू हो गए हैं, खींचतान शुरू हो गई है। सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने इस पर तंज कसते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी को परिवार विहीन तक कह दिया। सरकार का अंत सूत्री कार्यक्रम में है, इंदिरा गांधी भी लेके आई थी और 77 में जनता ने सफाया कर दिया। जनसंख्या न बड़े प्राकृतिक देन है न बड़े, बात सही है, लेकिन इसके लिए आप किसी को काज का जान समझ देंगे, उसको सरकारी सुविधा से वंचित कर देंगे? ये तो चूंकि निर्वंश मानी प्रधानमंत्री जी है, मानी मुख्यमंत्री जी है, तो जो चाहे चौकन मिला था, लेकिन ये काम जनता को मोबिलाइजेशन से करना चाहिए कानून बना के लिए। यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कोई बच्चा नहीं है या कोई? इसीलिए तो जनता से उनका प्रेम नहीं है, इसीलिए जनता से उनको प्रेम नहीं है। किस वजह से? इसीलिए कि परिवार विहीन है, परिवार रहता तो उनको परिवार का दर्द मालूम होता, पत्नी का दर्द मालूम होता, बेटा बेटी का दर्द मालूम होता, करा रही है जनता उनको कहां कुछ ख्याल है, केवल चुनाव का ख्याल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। जस्टिस भंडारी 26 जून से एसीजे का पद संभालने वाले हैं और मौजूदा चीफ जस्टिस संजय यादव 25 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजय यादव का कार्यकाल सिर्फ 13 दिनों का ही शेष रह गया, ऐसे में वो 25 जून को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हो रहे हैं। आगरा के पारस हॉस्पिटल को 6 महीने से अग्नि सुरक्षा के इंतजाम के बिना ही संचालित किया जा रहा है। जी हां, एक और घोटाला। 27 जनवरी को अग्निशमन विभाग ने पारस हॉस्पिटल की जांच के बाद प्रशासन को रिपोर्ट सौंप दी कि अग्नि सुरक्षा के इंतजाम पूरे हैं ही नहीं, इन्हें पूरा करने के लिए अस्पताल संचालक को भी समय दिया गया था, लेकिन 22 अप्रैल को अग्निशमन विभाग की निरीक्षण में फिर से खामियां पाई गई। इसकी रिपोर्ट भी प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे को भेजी गई, लेकिन फिर भी अस्पताल को कोविड अस्पताल बना दिया गया, जबकि उसी दौर में देश के कई कोविड अस्पतालों में आग लगने से मरीजों की मौत की घटनाएं सामने आई हैं। पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट देने के मामले में प्रशासन कटघरे में है। अस्पताल को प्रशासन का सहयोग बीते साल से ही लगातार मिल रहा है। देखिए, क्योंकि कोविड का समय चल रहा था तो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखते हुए हॉस्पिटलों का हमारे द्वारा निरीक्षण किया था, जिसमें पारस हॉस्पिटल भी था। पारस हॉस्पिटल का निरीक्षण कराया गया था और जो उसमें फायर सेफ्टी में जो कमियां पाई गई थी उन्हें उनकी पूर्ति हेतु सुधार हेतु संबंधित को नोटिस। तो वहीं सूबे में कोरोना संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार ऑक्सीजन को लेकर के भी गंभीर है। इसी क्रम में प्रदेश में 31 जुलाई तक 431 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वीकृत 533 में से अब तक 102 प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शेष बचे 433 ऑक्सीजन प्लांट को हर हाल में 31 जुलाई तक क्रियाशील करने के निर्देश दे दिए हैं। राजेंद्र कुमार ने कहा कि ऑक्सीजन के इन प्लांट के क्रियाशील होने के बाद सूबे में ऑक्सीजन की कमी दूर दूर तक नहीं रहेगी। राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी को लेकर SCERT कार्यालय पर सैकड़ों अभ्यर्थी प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। इस प्रदर्शन के दौरान एक महिला अभ्यर्थी बेहोश तक हो गई। आपको बता दें कि नियुक्ति की मांग को लेकर अलग अलग 3 संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि 22,000 रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जानी चाहिए। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।